सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मिस्टर डेरेक ओब्रायन, टेक योर सीट। यू आर चैलेंजिंग द चेयर। आसमान तक एक मिनट बजाए बैठिए। आप नारेबाजी करेंगे, तकिया लाएंगे। मणिपुर पर नारेबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कह दिया? लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने किस बात पर कहा, आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा? राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के आसन के सामने पहुंचकर आप सांसद संजय सिंह क्या कहने लगे? फिर संजय सिंह पर एक्शन के साथ ही आगे क्या हुआ? इन तमाम सवालों के जवाबों के साथ मैं हिमांशु हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो संसद में आज लेकर। मणिपुर पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा आज भी नहीं थमा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे सवालों के साथ शुरू हुई। मांग थी कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोले। शुरू के दिन से ही हम ये बोलते आ रहे हैं कि आज मणिपुर की हालात देखते हुए प्राइम मिनिस्टर सदन में आके एक सुमोटो स्टेटमेंट चलिए। हंगामे के आसार देखते हुए ओम बिरला ने सदस्यों से अपील की। सारा सदन जिस विषय को आपको उठा रहा उस पर चर्चा करने को तैयार है। आप अभी 12 बजे बाद चर्चा शुरू करिए। कौन आकर जवाब देगा ये आप तय करने वाले नहीं है। मानने मनाने समझने समझाने की कोशिशों के बीच अब पक्ष विपक्ष की एक साथ तस्वीरें आए। इन तस्वीरों में प्रहलाद जोशी, अधीर रंजन चौधरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिखे। लेकिन आपने विषय उठाया है, तुरंत चर्चा करने मेरा आग्रह है। ये चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? देश को एक्सप्लेन करना चाहिए सर, ये क्या चल रहा है? जब सरकार तैयार है पूरा चर्चा होगी, पूरा चर्चा शुरुआत से ही और नॉर्थ ईस्ट से ही समस्या का समाधान होगा। जिन लोगों के लिए आप चर्चा करना चाहते हैं, जिन मुद्दों के लिए चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा का समाधान निकलेगा। मनसा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य गुरुद्वारा है? मैं आपका आग्रह मान रहा हूँ, सिर्फ हमारा जो कार्यवाही है वो बाधित करना चाहते हैं। मैं आपका आग्रह मान रहा हूँ। मैं सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। सदन के नेता माने राजनाथ सिंह जी भी एक बार आग्रह कर दें। हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ। तख्तियां लहराई गईं जिन पर लिखा हुआ था, इंडिया मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। वहीं कुछ सदस्य सरकार से अलग अलग विषयों पर सवाल भी पूछते रहे, लेकिन हंगामा जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल के सामने तख्तियां दिखाई जाने लगी। अब सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा गया। लोकसभा से आज डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 वापस लिया गया। लोकसभा में आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 पेश किया। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संविधान अनुसूचित जातियां आदेश सुधार बिल 2023 पेश किया। इस पूरे दौर में एक चीज वैसी ही रही, सदन का हंगामा। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने सदस्यों से शांति बरतने की अपील की। हालांकि हंगामा कहां रुकने वाला था, तख्तियां अभी भी जस की तस। कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन फिर शुरू हुआ, साथ लौटा हंगामा और ऐलान की सभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थगन का वक्त पूरा हो चुका था, सदन में कामकाज शुरू हुआ। मणिपुर पर नारेबाजी भी। इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की घटना को लेकर बात रखनी शुरू की। क्या कहा सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है
कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। सामने से तख्तियां गुजरती रहीं। शाह कहते रहे कि वह चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और मणिपुर पर बातें रखें। इसी मांग के साथ लोकसभा की कार्यवाही 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब बारी राज्यसभा की। मणिपुर में हुई घटना को लेकर आज भी तख्तियां और नारे वही थे। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। महज 2 मिनट के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। राज्यसभा की कार्यवाही को महज 9 मिनट ही बीते थे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। Mr. Derek O'Brien, take your seat. You are challenging the chair. No. मणिपुर का मुद्दा, प्रधानमंत्री से मांग कि वह संसद में इस मुद्दे पर बोलें। मांग के साथ हंगामा और हंगामे के साथ कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई, साथ में हंगामा भी शुरू हुआ। सभापति ने प्रश्नकाल की घोषणा की। एक तरफ सवाल जवाब हो रहे थे, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी संजय सिंह की अगुवाई में नारेबाजी। नारे क्या थे, क्या जवाब मांगे जा रहे थे, सुनिए। इसके लिए आग्रह किया था जल जीवन मिशन में भी क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज को टोटल एलोकेशन में स्पेशल वेटेज जो है वो 10% का दिया गया था। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि चूंकि जल राज्यों का विषय और राज्यों से जो सूचना प्राप्त हुई 48,000 टोटल ऐसे हैबिटेशन जहां पर। सवालों के बीच हंगामा, जवाबों के साथ शोर, सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सभापति के आसन के सामने नहीं पहुंच गए। जगदीप धनखड़ को अपने आसन से खड़े होना पड़ा। बहस तेज हो गई। संजय सिंह के इस विरोध के खिलाफ नेता सदन पीयूष गोयल खड़े हुए। उन्होंने मांग की कि संजय सिंह को सत्र के बचे हुए दिनों के लिए सदन से सस्पेंड किया जाए। प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया। इस ऐलान के साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के साथ उपसभापति ने इस एक्शन की जानकारी दी। माननीय सदस्यों, आम आदमी पार्टी के नेता श्री संजय सिंह को सभापति द्वारा नामित किया गया है, ये भी नेम्ड, और बाद में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए और सदन द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव पर
उन्हें वर्तमान सत्र के शेष समय के लिए सदन की सेवाओं से निलंबित कर दिया गया। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अनुसार निलंबित सदस्य तुरंत परिषद के परिसर से हट जाते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि श्री संजय सिंह अभी भी सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे तुरंत सदन से हटने का आग्रह करता हूं ताकि सदन की कार्रवाई चल सके। जानकारी के बाद हंगामा होने लगा तो राज्यसभा को अगले एक घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 3 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई हंगामे के साथ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सदन से बाहर नहीं गए थे। पीठासीन उपसभापति ने अपील की कि संजय सिंह बाहर जाएं, नारेबाजी होती रही और मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी दोनों सदनों के हिस्से आया हंगामा, तख्तियां और आखिर में स्थगन। उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं ताकि दोनों सदनों की कार्यवाही शांतिपूर्वक आगे बढ़ सके। मंगलवार को संसद में क्या होगा, हम पूरी डिटेल्स के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।